साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, दुबई यूएई में अगर आप रह रहे हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कंपनी में 2 साल से 10 साल तक 12 साल तक नौकरी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी कंपनी आपको, जब आप कंपनी से वापस आते हैं तो आपको ग्रेजुएटी एक बोनस होता है जिसको आप बोनस बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलें तो अंत अंत सेवा लाभ। जी हाँ साथियों, सेवा यानी आपने अपनी जो भी जॉब करी है उसके बाद में जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, इस्तीफा अब कोई मैटर नहीं करता। कई बार क्या होता है, कंपनी बेवकूफ़ बना देती है। आपने इस्तीफा दिया, आपने वीज़ा कैंसिल करवाया, 5 साल में आपको तनख्वाह नहीं दे, आपकी जो ग्रेजुएटी होती है यानी आपका बोनस जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारी कंपनियां बोल देती हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। इस सिचुएशन में आप क्या करें, मैं आपको उसी मैटर पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों, मैं आगे बता दूँ तो आपको, देखिए होता क्या है, कई बार 2 साल के ऊपर, 1 साल 2 साल के ऊपर, 10 12 साल, कितने भी साल तक आप जॉब करते हैं, तो 1 साल से 5 साल के दौरान अगर आप एक कंपनी में नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद चाहे आप इस्तीफा दें, चाहे कंपनी आपको निकाले, चाहे कंपनी बंद हो जाए, चाहे कंपनी दिवालिया हो जाए, कोई इश्यू नहीं होता, उसमें आपको बोनस मिलता है जिसको ग्रेजुएटी बोनस बोलते हैं, उस वो मिलने का आपको लेने का हकदार होता है। 5 साल से ऊपर होता है उसमें, मैं बता दूँ, अगर 5 साल तक होता है तो 1 साल में जैसे 12 महीने होते हैं, तो 1 साल में 21 दिन का बोनस आपको हर साल यानी 5 साल तक 21 21 दिन का मिलता है, यानी 4 महीने के करीब हो जाते हैं, तो 4 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी। 5 साल के बाद में अगर आप ऊपर तक जाते हो तो आपको 1 साल में 1 महीने की एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, यानी 1 साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी, जो कंपनी आपको 12 महीने की देती है। 1 महीने की कब देती है, जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो, कंपनी से इस्तीफा लेते हो या फिर कंपनी छोड़ देते हो, तब आपको एक साथ में पैसा मिलता है। ये होता है तरीका, समझ गए आप बात को। उसमें आप जैसे रिटायरमेंट होते हो तो कंपनी फिर बहाना, कुछ कंपनियां बहाना बना लेती हैं कि हमारी कंपनी कर्जे में है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। उस स्थिति में आप क्या करें, वो बातें मैं आपको बताऊंगा। संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ, रोजगार कानून अधिनियम 1980 में धारा 8 में और मानव संसाधन मोहरे द्वारा आप उसमें कार्रवाई के लिए बाध्य हो सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मोहरे का मतलब मैं बता दूं, मोहरे का क्या मतलब होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इमिटेशन। जी हाँ, इसमें आप साथियों शिकायत कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। कि बता दूं, यूएई दुबई में एक कर्मचारी कंपनी में अंत सेवा लाभ लेने का पूर्णतः अधिकारी है। जी हाँ साथियों, जिसकी भाषा में बोलते हैं बोनस, हालांकि 1 साल से ये शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 साल से भी हम माने, 2 साल से बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ 90% लोगों को कुछ नहीं देती कंपनी, 2 साल से आपको कंपनी घर भेज देती है, जबकि 2 साल में आपको 21 21 दिन यानी कितने दिनों, 1.5 महीने की तनख्वाह आपको बोनस के तौर पर मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं देती। उस स्थिति में आप क्या करें, ये जो बोनस है साथियों, मैंने बताया अंत सेवा लाभ, ये बता दूं रोजगार अधिनियम दुबई यूएई का जो कानून है उसकी धारा 132 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगर आप मोहरे में शिकायत कर देते हैं, उसके बावजूद भी आपको कंपनी तनख्वाह नहीं देती है, आपका बोनस नहीं देती है, ना नुकर करती है, मोहरे में भी वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाती है, तो मोहरे की तरफ से एक आपको एक लेटर जारी किया जाता है। जी हाँ साथियों, एक लेटर होता है जो अदालत को लेटर जारी किया जाता है। जी हाँ साथियों, जिसमें आपका मुकदमा बना के कोर्ट में पेश कर दिया जाता है कंपनी के खिलाफ। जी हाँ, और मान लीजिए साथियों, कंपनी में भी, कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, सब कुछ, मोहरे में भी शिकायत कर दी, उसके बाद मैटर अदालत में चला गया, फिर भी कंपनी आपके आपका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, वो पैसा आपका जो अंतर बोनस है आपका नहीं देना चाहती, तो फिर साथियों अदालत जो कोर्ट है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई क्या होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट कर लेती है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बोनस तो फिर और भी दुनिया का होता है, और भी वर्कर उनका भी होता है, तो फिर वो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि भाई इस कंपनी के पास जितनी संपत्ति है उसको अटैच किया जाए, फिर उस कंपनी को सेलिंग किया जाता है, उसको बेचा जाता है, फिर आपका जो ग्रेजुएटी भुगतान है, आपका जो बोनस है, वो कोर्ट की तरफ से आपको मिल जाता है। ये साथियों बता दूं, ये रोजगार अधिनियम अनुच्छेद 4 के तहत ये पूरी कार्रवाई होती है, जिसमें कोर्ट द्वारा फिर आपका लास्ट में आपका ग्रेजुएट जो भुगतान है वो मिल जाता है।
कि आपको कंपनी नहीं देती है तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के सेल करके फिर आपका पूरा भुगतान, आपका जो भी बोनस है वो दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो तो आपका समाधान हो जाएगा, आपका ग्रेजुटी जो भुगतान है, जो बोनस है, वो आपका मिल सकता है। तो साथियों, वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।